इस वीडियो में मैंने एक एल्जेब्रिक आइडेंटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर इसकी वेरिफिकेशन समझाई है और जो मेथड लिया है ना वो मैंने लिया है पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग मेथड तो चलिए पेपर कटिंग और पेस्टिंग मेथड से इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप ले लेता हूँ पहला स्टेप जनरली लिखना होता है बच्चों को कि भाई एम क्या है तो एम तो वही है टू वेरीफाई ए प्लस अच्छा वेरी बाद रिमाइंडर दे रहा हूं आपको वेरीफाई लिखना होता है प्रू नहीं लिखना होता क्यों नहीं लिखना होता क्योंकि वेरीफाई अलग होता है और प्रू अलग होता है ये दोनों चीज अलग होती है ठीक है वेरीफाई करना है इसका बाई पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग मेथड हमें चाहिए मेटेल रिक्वायर्ड में ग्राफ पेपर को मैं ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं अच्छा कई बच्चे कलर्ड सीट से कर लेते हैं वो भी ठीक है लेकिन कलर्ड सीट के बजाय ग्राफ वाला ज्यादा इजी हो जाता है बच्चों के लिए फिर हमें ग्लू चाहिए पेयर ऑफ सीजर्स एंड ज्योमेट्री बॉक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें डायग्राम उस पर बात करता हूं देखिए आपको एक ग्राफ पेपर लेना है ग्राफ पेपर पे 10 सेंटीमीटर का एक स्केर ड्रॉ कर लेते हैं सर ग्राफ पेपर पे कैसे काउंट करेंगे? देखिए यहां से आप शुरू कर दीजिए अगर ये ले लीजिए जी, जीरो से ले गया तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन टेन सेंटीमीटर का लिया सिमिलरली यहां पे भी आप देखोगे कि टेन का ही लिया है मैंने यानी कि वन वन सेंटीमीटर टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन और टेन बॉक्सेस जब हो जाते हैं अगला स्टेप है इसको डिवाइड करेंगे नाइन बॉक्सेस में कैसे करेंगे मैं ना तीन में इस पूरे में से ए जो है वो ले लेता हूं आप देखिए मैं फाइव सेंटीमीटर ए और जो B है वो मैं ले लेता हूं थ्री सेंटीमीटर और जो C है वो ले, ले लेता हूं टू सेंटीमीटर राइट तो मैं फाइव सेंटीमीटर के बाद में ना एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ये मेरा सेंटीमीटर है ये मैंने ड्रॉ कर दिया राइट right? फिर दूसरा थ्री सेंटीमीटर इसके बाद काउंट करता हूं तो ये थ्री सेंटीमीटर के बाद काउंट कर दिया सिमिलरली होरिजेंटल में फाइव के बाद ड्रॉ कर देता हूं ये लीजिए ऐसे कर दिया मैंने और फिर थ्री के बाद यानी कि सेंटीमीटर के बाद में तो अगर आप देखो टोटल यहां पे नाइन बन जाते हैं 1, 2, 3, और नाइन का इंडिविजुअल एरिया निकालूंगा और विच विच विल बी इक्वल टू द होल एरिया तो इसको थोड़ा कलर कर लेते हैं आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये कलर सीट लेके आपको और समझाता हूं सेम चीज को मैंने कलरिंग की है इसको मैंने लेंथ को ए माना है जो फाइव सेंटीमीटर था राइट right? और ये है मेरा बी और जो तीन सेंटीमीटर था और ये है मेरा सी तो टोटल लेंथ की बात करें ना तो वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस में सी और आप एग्री करोगे ये पूरी लेंथ जो है ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा सिमिलरली ये फाइव सेंटीमीटर को ए माना है तो ये वाला ए हो गया फिर ये जो तीन बॉक्सेस में बी हो गया ये सी हो गया और यहां पे भी ये जो लेंथ है ना ये बन जाएगी ए प्लस में बी प्लस में सी राइट right? ये ए प्लस बी प्लस सी हो गया अब इस टोटल एरिया ना जो बिग स्केयर का एरिया देखिए बिग स्केयर का एरिया जो है आप एग्री करोगे वो एरिया किसके बराबर हो जाएगा साइड इन टू साइड होता है ना तो एक साइड तो ए प्लस बी प्लस सी है तो इसका स्केयर यानी कि इसके बराबर होगा अब ये टोटल किसके बराबर आना चाहिए ये टोटल नाइन जो है ना ये फर्स्ट नंबर वाला ये सेकेंड नंबर वाला इन नाइन के सम के बराबर होना चाहिए यानी कि टोटल नाइन बॉक्सिस हैं और इनका इंडिविजुअल एरिया निकालेंगे और ये टोटल नाइन बॉक्सिस का सम अगर इसके बराबर आता है तो करेक्ट है चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का अगर ये लेंथ ए है और ये भी ए है तो फर्स्ट का एरिया ए स्केयर हो गया ठीक है जी बिल्कुल ठीक है फिर हम बात करते हैं इसका ये लेंथ मैंने ए का तो ये भी ए हो गया और इसका बी है तो ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया ए बी इसका एरिया ए बी हो गया और इसका एरिया था ए स्केर ठीक है सिमिलरली ये जो रेक्टेंगल है ये सी है और ये वाली जो लेंथ है ना ये इसकी ए के बराबर है इसके बराबर है तो ये ए और सी इसका एरिया हो गया ए सी ठीक है यहां पे आ जाते हैं अगर आप नोट करें ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ ए है और इसकी विथ बी है तो एरिया हो जाएगा ए बी ये लीजिए इसका एरिया ए बी हो गया सिमिलरली ये जो लेंथ है ये इसके बराबर होगी तो ये बी है तो ये भी बी हो गया और ये अगर बी है तो इस बॉक्स की भी लेंथ जो है वो बी हो जाएगी एरिया हो जाएगा बी यहां पे देखो तो ये लेंथ सी मानी है मैंने और ये जो है वो बी के बराबर है तो इसका एरिया हो जाएगा बी अगर ये नोट करें तो ये लेंथ तो ए है और ये लेंथ सी है तो इसका एरिया ए हो जाएगा सिमिलरली अगले वाला का अगर बताऊं मैं आपको ये लेंथ मेरा बी है और ये सी है तो ये हो जाएगा बी सी और जो रेड वाला बॉक्स है ना अगर आप नोट करें ये लेंथ सी है और ये भी सी है तो इसका एरिया सी स्केयर हो गया तो जो एरिया है इसको मैंने इन सर्कल कर लिया अब मैं क्या करने वाला हूं इन नाइन बॉक्सिस का एरिया एड करने पर बिग स्केयर के एरिया के बराबर होना चाहिए पहले बॉक्स का कितना एरिया ए स्केयर ये लीजिए मैंने ए स्केयर लिख दिया फिर बात करते दूसरे इसका ले लेता हूं ये किसके हो गए बराबर बी स्केयर राइट right. फिर ये अगर मैं ले लेता हूं ये किसके बराबर हो गया सी स्केर फिर अगर आप देखें देखिए ए बी और ये ए बी इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये बन जाएगा टू ए बी बिल्कुल ठीक है फिर अगर आप ध्यान दीजिए ये बी सी और ये वाला बी सी इन दोनों बी सी को करूंगा तो ये हो जाएगा टू बी सी बिल्कुल है और अगर आप देखिए फिर नेक्स्ट ये ए सी है और ये भी ए सी है तो टू टाइम ए सी करोगे तो टू टाइम ए सी ये हो गया तो आपने ध्यान दिया यही तो एक आइडेंटिटी थी जो हम अभी वेरीफाई कर रहे थे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केर किसके बराबर आ गया ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर टू ए बी टू बी सी और टू ए सी विद दिस आवर एक्टिविटीज ओवर थैंक यू वेरी मच